या सर या आपने कहा जे 50 आंगल जे मैं हो जे तो ये राव से सार डूब जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार, आपका मेरे चैनल के अंदर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज आपको हम दिखाने वाले हैं राव सर की हालात, जो बारिश के कारण बहुत गंभीर हो चुकी है। आज ही सुबह मतलब बारिश आई थी और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितना पानी भरा हुआ है। और हम बताएंगे कि नगर पालिका ने मतलब अभी तक कोई मतलब इसका समाधान नहीं करा है, और नगर पालिका के द्वारा सुबह ही आज ही सुबह ही मतलब ये बताया गया था अखबार के अंदर कि मतलब इस पानी का जो है समाधान किया जाएगा, इस पानी को हम निकाल देंगे, पर अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो पूरी मार्केट भी बंद हो गई है इसके पानी के कारण, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। पानी इतना पड़ा है कि बहुत ज़्यादा पड़ा है, और अगर दोबारा बारिश आ जाए तो मतलब ये पानी दुकानों के अंदर जा सकता है, और दुकानदार बहुत ज़्यादा परेशान है, और नगर पालिका को इससे कोई मतलब नहीं है। और आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है, और कितना पानी भरा हुआ है, पूरा तालाब बना हुआ है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कंटिन्यू आगे से भी हम दिखाएंगे, आगे का व्यू दिखाएंगे कि वहाँ पे कितना पानी है, मार्केट कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। और चलते हैं हम आगे की तरफ। हेलो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो नगर राव सर की हालात कैसी है। आप लोग देख सकते हो कि ये बाइक देखो पूरी तरह से डूब चुकी है, और हम आए हैं वहां से, हम मतलब पानी के सामने, हमारी बाइक नहीं चल पाई, और हालात देख सकते हो कितना पानी गहरा है यहाँ पे। हालांकि नगर पालिका ने सुबह ही बोला था कि ये पानी हम बाहर निकाल देंगे, और अभी तक सुबह से शाम हो चुकी है, अभी तक पानी नहीं निकला है। और आप लोग देख सकते हो मार्केट पूरी बंद पड़ी है। अगर वाई द वे बारिश लगातार और आ गई तो पूरी मार्केट तहस नहस हो सकती है। आप लोग देख सकते हो इतना यहाँ पे फिर भी कम है पानी। आप वो ट्रैक्टर देख सकते हो, तो ट्रैक्टर देख सकते हो वो कितना डूबा हुआ है वहां से, मतलब पैदल आना, बच्चा अगर आए तो डूब सकता है, इतना पानी खड़ा है। और पीछे आप लोग देख सकते हो हाईवे सड़क भी है, हाईवे सड़क के ऊपर कितना पानी खड़ा हुआ है। मतलब नगर पालिका की तरफ से कोई अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है, और नगर पालिका ने आश्वासन दिया था कि यह पानी सुबह तक निकल जाएगा। यहाँ पे नगर पालिका इंजन लगाती है जिसके कारण ये पानी निकलता है। अभी तक कोई इंजन वगैरह कुछ भी नहीं लगाया गया है, और अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। देखते हैं ये पानी नगर पालिका कितने समय के अंदर निकालती है, और आप मेरे वीडियो पे लगातार बने रहिए, और हम अच्छा अच्छा व्यूज दिखाते रहेंगे। वहां पे देख सकते हो आप लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। भैया वो दिखाओ ट्रैक्टर कितना डूबा हुआ है। आप लोग देख सकते हो अंकल जी आ रहे हैं, ट्रैक्टर पूरा डूब चुका है, हमारी बाइक भी डूब चुकी है। हम बहुत मुश्किल से यहाँ पे आए हैं, और मार्केट की बहुत गंदी हालात है, और हम वहाँ पे थोड़े बहुत भाई है वो खड़े हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे, शायद हमारी बाइक भी नहीं चल पाएगी। चलो हम चलते हैं उन भाइयों के पास, थोड़ी बहुत जानकारी लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो राव सर के अंदर कितना पानी खड़ा है, और ये हाईवे सड़क है, हाईवे सड़क के करीब ही जस्ट देख सकते हो ये कितना पानी भरा हुआ है। वहां पे गाड़ी आ रही है, मतलब आज सुबह नगर पालिका ने आश्वासन दिया था कि ये पानी निकाल दिया जाएगा, पर अभी तक कोई ये सुविधा नहीं की गई है।
ये भाई देख सकते हो, इसकी भाई की गाड़ी फंसी हुई है और बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। हाईवे सड़क में भी काफी दिक्कत आ रही है, आपने पूरे वीडियो में देखा ही होगा लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। अगर खुदा ना करे अगर दोबारा बारिश आ गई तो मेरे ख्याल से मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं सारी पानी से भर जाएगी और पूरी गंदी तरह से बुरी हालात हो चुकी है रावसर की। पूरा समंदर बन चुका है, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, ऐसे लग रहा है कि ये नहर चल रही है, विश्वास नहीं हो रहा इतना पानी खड़ा हुआ है। ये गाड़ी देख सकते हो आप पूरी भरी हुई है और कितनी दिक्कत आ रही है, कितनी परेशानी आ रही है। पर नगर पालिका पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक कोई सुविधा नहीं की गई इसकी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए ताकि इस चीज़ का जल्द से जल्द समाधान हो सके। आपके भाई ने आपके लिए कितनी बड़ी रिस्क ली है, पानी के अंदर हम आए थे, हमें अनुमान नहीं था कि इतना पानी, इतना गहरा पानी है क्या। शायद मेरी बाइक है जो वो सीज हो चुकी है पूरी तरह से, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। आपके भाई ने आपके लिए रिस्क ली है तो आपका फर्ज बनता है कि मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपने रावसर का नजारा देख ही लिया है, रावसर कैसे बाजार, रावसर बाजार कैसे नहर के अंदर तब्दील हो चुका है। हम लोग वहां से बहुत मुश्किल से आए हैं और हम इन भाइयों से बात करने की कोशिश करी है पर ये भाई बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। ये एक ही बात बोल रहे हैं कि ये आज की बात नहीं है, वीडियो रोज बनती है, नगर पालिका का कोई सुधार नहीं होगा। सुधार क्यों नहीं होगा, जब हम एकता करेंगे तो सब कुछ होगा। और आप राव सर के बारे में क्या बोलना चाहते हो कमेंट जरूर करना यार अपने। हम अंकल जी के पास आ चुके हैं और अंकल जी से जानने की कोशिश करेंगे इस पानी के बारे में, मतलब समस्या तो आ ही रही है और अंकल जी का मतलब क्या मानना है, अंकल जी अपनी क्या राय देते हैं, अंकल जी से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम भद्र है जोशी, भद्र जोशी। अच्छा, तो ये पानी है जो मतलब इससे ज्यादा समस्या हो रही है, आप क्या बोलना चाहोगे मतलब नगर पालिका को, राव सर की नगर पालिका? मैं क्या बोलूं, 3 दिन हो गया पानी तो, तीन दिन आता है चक्की जाए कोई पानी। ये देख सकते हो अंकल जी बता रहे हैं कि 3 दिन हो गए लगातार पानी का कोई निकास नहीं किया गया है और कोई मतलब ध्यान नहीं दिया गया है। और मतलब ये पानी है जो नगर पालिका निकालती है, ये मतलब किस चीज से निकालती है? मोटर से। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये पानी है जो मतलब मोटरों से निकाला जाता है और अभी तक शायद ही कोई मोटर लगी है यहाँ पे। मोटर है लगी, चली है या ना चली है बात का पता नहीं है। अच्छा अच्छा, और मोटर है, 5 है मोटर लगी, 5 मोटर से क्या। अच्छा, 5 घंटा से। अच्छा, तो मतलब 5 मोटरों के हिसाब से सुबह का पानी पड़ा है, ये पानी निकल जाना चाहिए था पर अभी तक पानी नहीं निकला है। 3 दिन पड़ा रहेगा पानी, अंकल जी का मानना है कि ये पानी 3 दिन तक पड़ा रहेगा। अगर अंकल जी बारिश और ज्यादा आ गई तो मतलब मार्केट पे क्या पड़ेगा, या 50 आंगड़ जे में हो जे तो ये राव से सार डूब जाएगी। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बात से, तो और कुछ बोलना चाहोगे अंकल जी? और भाई क्या बोला, अभी आएगा सारी नेता के काम है ये सार सामने करे हमारे हिसाब, मतलब जल्दी जल्दी सुधार होना चाहिए। जल्दी अंकल जी के हिसाब से और हमारे हिसाब से सबके हिसाब से इसका जल्दी से जल्दी समाधान करना चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना आए। आप लोग देख सकते हो मार्केट भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है इस पानी के कारण, बहुत ज़्यादा समस्या भी आ रही है और गंदगी भी है, आप देख सकते हो रोग भी फैलता है इससे। तो आपको धन्यवाद के लिए हमने बहुत बड़ी रिस्क लिया है, आपको राव सर का पूरा व्यू दिखाया है, आप लोगों ने देख लिया कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, गाड़ियाँ तो फंसी हुई है, हमारी बाइक भी मतलब सीज हो चुकी है। हमें अनुमान नहीं था कि वहाँ पे इतना पानी है, इतना गहरा पानी है, ये बाइक यहाँ से इतनी डूब गई थी। हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करना, दोस्तों लाइक करना, शेयर करना।